अंकित शर्मा के युवा कंधों पर होगी अब देवरा की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। मात्र लगभग 28 साल की उम्र एवं 2018 बैच के युवा एचएएस अधिकारी अंकित शर्मा ने देवरा डीएसपी के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। डीएसपी अंकित शर्मा ने कहा कि युवा विशेषकर नाबालिग सड़कों पर बिना हेलमेट बाइक दौड़ाकर अपनी जिंदगी एवं परिवार का भविष्य दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं। अंकित शर्मा ने कहा कि ऐसे नाबालिगों की जान को बचाने के लिए उनके नेतृत्व में देहरा पुलिस अभियान चलाने जा रही है। अंकित शर्मा ने कहा कि नाबालिग अगर सड़क पर बाइक चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे बाइक सहित थाने लाकर उनके परिजनों को बुलाकर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। डीएसपी ने कहा कि बिना हेलमेट सड़कों पर बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो चालान के बदले जुर्माने का रूप में भारी धनराशि चुकानी पड़ सकती है। डीएसपी अंकित ने कहा कि कोरोना से इतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी सड़क पर उड़ती बाइकों के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते अधिक मौतें हुई हैं। घर के बेटे को दुर्घटनाओं के चलते बेमौत मारे जाने से बचाने के लिए देहरा पुलिस उनके नेतृत्व में ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से लागू करने जा रही है। इसी के साथ देहरा से गुलशन धनोवा की रिपोर्ट। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका जो बेटा है बाकी बच्चों से बहुत ही बढ़ के आगे निकले, तो उसी दौरान वो ये चीज भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो अपने बच्चों को जो है गाड़ी प्रोवाइड करा रहे हैं या विदाउट लाइसेंस जब अभी उनकी उम्र नहीं हुई है उनको बाइक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी जिंदगी के साथ। ये तब तक रियलाइज वो पेरेंट्स नहीं कर पाते जब तक कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, और जब एक बार ये अनहोनी घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद पछतावा करते हैं। तो मेरी हिदायत सारे के सारे जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको यही देंगे कि एक इसका राइट टाइम होता है गाड़ी चलाने का, बाइक चलाने का, और जब आपका लाइसेंस तैयार हो जाए, लाइसेंस चलाने के बाद आपका जो टेस्ट वगैरह सारे के सारे आप क्लियर कर लेते हैं और आप एकदम सक्षम हो जाते हैं चलाने के लिए, उसी के दौरान उसी के उपरांत आप जो है उनको ये सारी की सारी व्हीकल्स जो है प्रोवाइड कराइए, नहीं तो वो थोड़ा सा घातक हो सकता है। हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये जो है ये चाहे चरस हो गया या गांजा हो गया ये कहाँ कहाँ चीजें मिल रही हैं, तो उनके ऊपर भी जल्दी नकेल कसी जाएगी। देहरा काफी अच्छी जगह है, अभी तो फिलहाल मेरी नई ज्वाइनिंग है यहाँ पे, अभी पूरे के पूरे एरिया का भ्रमण कर रहा हूँ और कुछ लोगों से मिला, यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करी, और धीरे धीरे जैसे ही पता लगता है अपनी प्रायोरिटीज उसी के अकॉर्डिंगली सेट करके यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा पहला मकसद है। सर यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था और जो नशे के हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे? ट्रैफिक एक ऐसी आपदा है जिसमें हमारे यहाँ पे पूरे साल में, जैसे भी आप कोविड की आपदा ही ले लीजिए, उतनी मौतें कोविड से नहीं होती जितनी एक्सीडेंट से हो जाती हैं। तो इसके ऊपर हमने एक थोड़ी सी रणनीति बनाई है, हर हफ्ते हम यहाँ पे जो है अलग मुहिम से किसी पर्टिकुलर हेड के अंडर जो है चालान करना शुरू करेंगे और हर हफ्ते उसको चेंज करेंगे और जगह जगह यहाँ पे नाके लगाए जाएंगे और जो थोड़े वायलेटर्स हैं उनको पहले समझाया जाएगा, अगर नहीं समझते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खबर हिमाचल के साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करना और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर हिमाचल आपका अपना चैनल, हर खबर पहुंचाए आप तक।